तो लो जी, एक नया सफ़र, नए दिन की शुरुआत एक नए देश के साथ। जी हाँ, मैं हूँ अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे। और मैं जा रहा हूँ अभी दुबई। कोरोना के टाइम पे ये मेरी तीसरी ट्रिप थी है मैंने जो मैंने प्लान की थी। एक मेरी सिंगापुर की ट्रिप जो मेरी कैंसिल हो गई, ऑलमोस्ट मेरा वीज़ा, मेरे टिकट, मेरे होटल सब बुक हो चुके थे, वो मुझे कैंसिल करने पड़े। दूसरा मेरा फिलीपींस की मेरी ट्रिप, वो मुझे कैंसिल करनी पड़ी मार्च में। सिंगापुर की ट्रिप मेरी फरवरी में थी, फिलीपींस की ट्रिप मेरी मार्च में थी। ये दोनों ट्रिप मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी क्योंकि ये लॉकडाउन लग गया था इंडिया में और पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट। और अब आज है डेट 25 दिसंबर और ये मेरी ट्रिप मैंने प्लान करी है दुबई की। ये मेरी 2 वीक की ट्रिप है। इसमें मैं आपको फूड व्लॉग्स, इसमें मैं आपको दुबई, जो पूरा लोकल दुबई है वो दिखाऊंगा और जो लग्जरी है दुबई की वो दिखाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा जो लोकल फूड है ज़्यादा से ज़्यादा वो दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। अब दुबई पहुंचने का जो प्रोसेस है, वीज़ा कैसे लेना है दुबई का, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं ये कोरोना के बाद। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब मैं अपने दुबई में होटल में चेक इन कर लूँगा। क्योंकि उससे पहले मुझे दुबई एयरपोर्ट पे जब मैं पहुँचूँगा, जब मैं लैंड करेगी मेरी फ़्लाइट, वहाँ पे मेरा एक और कोरोना टेस्ट होगा और तब तक मुझे क्वारंटीन रहना है। तो मेरे पास होटल में रुकने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, काम आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा है कि आपको होटल में अपने जब चेक इन कर लूँगा वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको अगर अपनी कोविड रिपोर्ट चाहिए तो वो कैसे लेनी है, उसके अंदर स्टैम्प होना चाहिए, कहाँ से लेनी है और आपको वीज़ा कैसे लेना है। इसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दुबई पहुँच के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हूँ मैं टर्मिनल 3 पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जितना भी ट्रैवल किया हूँ, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, या थाईलैंड हो, या वियतनाम हो, वो मैंने बैंगलोर और हैदराबाद के एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है। और ये दिल्ली एयरपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कंपैरेटिवली। मतलब मैं अभी तक दुनिया में जहाँ जहाँ घुमा हूँ, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट बेस्ट लगा। यकीन नहीं मानेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट मुझे अब तक का सबसे अच्छा लगा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, नीट एंड क्लीन है, सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। पैसेंजर का ध्यान रखा जा रहा है अभी ये कोविड टाइम में कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए पैसेंजर को। अभी फ़िलहाल मैं आराम कर रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट अभी 3 बज रहा है, आधे घंटे में मेरी बोर्डिंग शुरू होगी और यहाँ से रवाना हो जाएंगे हम लोग दुबई के लिए। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। जिस जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको बहुत ही अमेजिंग फूड व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अब मिलते हैं सीधे दुबई पहुँच के। सो फाइनली गाइज, पहुँच गया दुबई और कर लिया मैंने चेक इन अपने रूम में। ये जो मेरा होटल है, इस होटल का नाम है द लीला होटल। ये एक 5-स्टार प्रॉपर्टी है। मेरा जो रूम था वो सुपीरियर रूम था, लेकिन मेरी फ़्लाइट जल्दी आ गई थी, मैंने होटल में जल्दी चेक इन की रिक्वेस्ट डाली थी और एक डिलक्स रूम खाली था। उन्होंने एक अपग्रेड करके मुझे सुपीरियर से डिलक्स रूम दे दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इनके। दे आर रियली, आई मीन आई वुड अप्रिशिएट दैट। और अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं कि दुबई आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या प्रोसेस है। उससे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूं, क्योंकि थोड़ी देर में मैं अपना पूरा रूम गंदा करने वाला हूं, अपना पूरा सामान बिखेर दूंगा, सारे कपड़े वपड़े बैग में से निकाल के। तो इसको गंदा करे बिना पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूं। ये घुसते ही यहाँ पे ये बाथरूम है, ये कमोड है, ये बाथटब है यहाँ पे, और ये यहाँ पे शार है। बाथरूम से बाहर आते हैं तो ये यहाँ पे इन्होंने शीशा दे रखा है, यहाँ तुम्हारा भाई है,
ये बेड है, ये अलमीरा है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। आयरन भी दे रखी है इन्होंने, और मैंने इनको अभी बाथरूम के लिए भी बोला है, इसमें बाथरूम भी इंक्लूडेड है, जो कि अभी था नहीं, वो बोल रहे हैं थोड़ी देर में ला देंगे। और ये आपका लॉकर है, यहाँ पे कुछ रखना हो आपको, हेयर ड्रायर नहीं है, लिखा हुआ है हेयर ड्रायर लेकिन हेयर ड्रायर है नहीं। खैर कोई नहीं, मेरा तो वैसे भी सुपीरियर रूम था, मुझे डिलक्स रूम दे दिया इन्होंने। ये लैम्प है यहाँ पे, ये टीवी है, ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, एक मेरा ये बैग है, और ये फ्लोर है 9th फ्लोर पे इन्होंने मेरे को ये प्रॉपर्टी, ये रूम दिया है। तो यहाँ से जो बाहर का व्यू है वो आपको दिखाया था, गंदा हो रहा है काफ़ी ग्लास, लेकिन यहाँ से जो व्यू अच्छा है थोड़ा। सामने इसके जस्ट अपोजिट मार्केट है, तो खाने पीने की टेंशन नहीं है, आराम से जाके खा सकते हैं। लेकिन मैं अभी बाहर जा नहीं सकता हूँ, बाहर मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरी अभी तक कोविड रिपोर्ट आई नहीं है, और जब तक मेरी कोविड रिपोर्ट नहीं आ जाएगी मुझे इस होटल के रूम में ही रहना है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता हूँ कहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है। दुबई आने के लिए सबसे पहले आपको एक तो वीज़ा चाहिए, और वीज़ा के साथ साथ आपको चाहिए एक मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि पहले नहीं चाहिए होता था, अब कोविड की वजह से इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, मैंने वीज़ा लिया है मुसाफिर.com से, मुसाफिर.com से मैंने 30 दिन का वीज़ा लिया है, सिंगल एंट्री वीज़ा, और उसके साथ साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल गया है। ये टोटल मुझे पड़ा है 7,500 रुपये का, इंडियन रुपीज़ में 7,500 रुपये का पड़ा है। और भी वेबसाइट से आप ले सकते हो, मेक माई ट्रिप से ले सकते हो, दूसरी वेबसाइट से ले सकते हो, लेकिन मैंने मुसाफिर.com इसलिए प्रेफर किया क्योंकि ये UAE की कंपनी है, तो आपको जल्दी वीज़ा मिल जाता है। मेरा वीज़ा 3 दिन के अंदर आ गया था। ठीक है, और मैंने बहुत से ऐसे इंसिडेंट सुने थे कि मतलब जिन लोगों ने मेक माई ट्रिप से अप्लाई कर रखा है उनका बहुत डिले हो रहा था, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मैंने मुसाफिर.com से डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर लॉगिन किया, और वहाँ से उनके एक एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आया, मैंने अपना वीज़ा प्रोसेस करवा लिया। ये तो हो गई वीज़ा की बात, अब बात कर लेते हैं कोविड रिपोर्ट की। तो जो कोविड रिपोर्ट आपको लेनी है वो आपको लेनी है ICMR की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जो भी अप्रूव्ड लैब्स हैं, ICMR अप्रूव्ड लैब्स, उनसे ही लेनी है। और जो आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए, जो आपकी ट्रैवल डेट है उससे 96 आवर्स पहले, विदिन मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मतलब मैक्सिमम 4 दिन पुरानी रिपोर्ट होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा पुरानी होगी तो वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, मतलब 96 आवर्स पुरानी रिपोर्ट होनी चाहिए जिस दिन आपकी ट्रैवल डेट है उस दिन। और आपकी जो रिपोर्ट आएगी कोविड रिपोर्ट, उस पर ICMR जो अप्रूव्ड लैब है उसका स्टैम्प होना चाहिए। मैंने जो अपनी ये रिपोर्ट ली है वो मैंने मैक्स लैब से ली है, तो जब मेरी रिपोर्ट मेरे मेल पे आ गई थी उसका मैंने प्रिंट निकाल के मुझे मैक्स लैब हॉस्पिटल जाना पड़ा था, वहाँ पे मुझे स्टैम्प लगवाना पड़ा था, तो वो स्टैम्प बहुत मैंडेटरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा था एयरपोर्ट पर इंडिगो वालों ने मेरे सामने 3 लोगों को मना कर दिया था बोर्डिंग के लिए क्योंकि उनके रिपोर्ट के ऊपर स्टैम्प नहीं था। अब ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है, इंडिगो वालों ने कर दिया था मना, मेरा एक दोस्त विस्तारा से गया था उसको मना नहीं किया था, उसकी रिपोर्ट पे भी स्टैम्प नहीं था लेकिन उसको बोर्डिंग अलाउ कर दी थी। तो ये आपके ऊपर है, आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा कि इतनी दूर आ रहे हैं ट्रैवल करने तो रिस्क ना ही लीजिए और अपनी रिपोर्ट पर स्टैम्प लगवा लीजिएगा। तो वीज़ा मैंने आपको बता दिया, मेडिकल इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, कोविड रिपोर्ट बता दिया, इसके साथ साथ आपको चाहिए 2000 दिरहम कैश, 2000 AED कैश आपको रखना है। इमिग्रेशन पे पूछ लेते हैं, खैर मेरे से तो इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा, मेरा इमिग्रेशन इंडिया में भी बहुत स्मूथ था और वहाँ पे भी बहुत स्मूथ था। इंडिया में तो यही पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वहाँ कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ पासपोर्ट मांगा, मेरा वीज़ा मांगा और मेरी कोविड रिपोर्ट देखी और मेरा इंश्योरेंस देखा, एक भी सवाल नहीं पूछा कि क्यों आए हो, कितना कैश है, क्या करते हो, कुछ भी नहीं पूछा, बहुत स्मूथ था। जब मेरी फ़्लाइट लैंड करी थी दुबई एयरपोर्ट पे, वहाँ से मैं सीधे गया इमिग्रेशन काउंटर पे, इमिग्रेशन काउंटर के जस्ट बाद मैं गया वहाँ पे जो नेक्स्ट काउंटर है, आपको अपना कोविड टेस्ट कराना है, कोविड टेस्ट कराने के जस्ट बाद आपको अपना लगेज कलेक्ट करना है, लगेज कलेक्ट करने के बाद आप
बाहर आ सकते हैं, और बाहर आने के बाद सीधे आपको अपने होटल में आना है, और तब तक आपको बाहर नहीं जाना है जब तक आपकी रिपोर्ट ना आ जाए। तो ये है पूरा प्रोसेस दुबई का। मेरा ये जो होटल है द लीला पैलेस, ये 5-स्टार प्रॉपर्टी मुझे बहुत सस्ते में मिली है। मैं रुका हुआ हूँ अभी डेरा सिटी सेंटर, ये दुबई ओल्ड दुबई में पड़ता है। ये मुझे प्रॉपर्टी पड़ी है 1400 रुपये एक दिन की विद ब्रेकफास्ट। आप समझ रहे हैं, 1400 रुपये एक दिन की विद ब्रेकफास्ट पड़ी है मुझे, बहुत सस्ती है। इसके बाद जो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है वो मैं रुका हुआ हूँ अभी मरीना में, दुबई मरीना। वो एक जो स्काई डाइव वगैरह वो वाला जो एरिया है बीच के पास वाला, मरीना बीच, वहाँ पे मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है। ये लीला पैलेस में मैं 3 दिन रुका हुआ हूँ और बाकी के दिन मैं वहाँ पे रुकूँगा। तो ये पूरा वीडियो है दुबई का, कैसे आपको प्लान करना है। दुबई अभी टूरिज़्म के लिए ओपन हो चुका है, आप आराम से आ सकते हैं। आज का दिन मैं वेट करूँगा मेरी कोविड रिपोर्ट आने का, उसके बाद मैं फिर आगे का प्लान करूँगा और आपको आगे जल्दी से जल्दी बहुत सारे फूड ब्लॉग्स दिखाऊँगा। और दुबई जो है, जो ओल्ड दुबई है, जो कल्चर है यूएई का, पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को वो दिखाने की। आप बने रहिएगा मेरे साथ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब अभी कर लें और बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।